हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 17-31 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो वो चाहे आप लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि मैरिड हो अनमैरिड हो, नो मैटर, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, बहुत बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव कार्ड है। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, बहुत अच्छी एक एनर्जी मिल रही है। सेवन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, अभी आपके लव लाइफ के साइड से सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आप एक्शन के मूड में नहीं हो बट सोचने के मूड में हो, मतलब कि सोचते ही जा रहे हो कैसे क्या करोगे समझ नहीं पा रहे हो, या फिर हो सकता है क्लैरिफिकेशन भी है, सभी का सपोर्ट भी है, बट उसके बावजूद भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आप जिस भी हालत में हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, लव लाइफ के साइड से अच्छा हो, आप खुद को ये समझा रहे हो। ओके, आपको और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले टाइम में आपको बहुत सारे दुख दर्द ऑलरेडी झेलने को मिल गए हैं। एंड अभी आप अपने लव लाइफ में और ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हो, ऐसा कुछ वाइब्स मुझे मिल रहा है। ओके, तो इस टाइम पर ये जो थॉट्स का एनर्जी हैं, आप जिस चीज़ को लेकर सोच रहे हो, डाउनवर्ड महसूस कर रहे हो, या फिर आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, सिचुएशन में स्टक हो, तो ऐसे प्रॉब्लम से आप बहुत जल्द निकलने वाले हो। मतलब कि 17 से 31 तारीख आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। कैसे, मैं बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं, पहले देख लेती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस है। ओके, सो देखो 17 से 31 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ के साइड से एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे। आपका जो लव लाइफ है ना, वो एकदम से 180 डिग्री चेंज होने वाला है। बहुत कुछ आपने ऑलरेडी खो चुके हो एंड बहुत कुछ इस टाइम पर आप रिसीव करने वाले हो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है। तो टावर मोमेंट डेफिनेटली आपके लाइफ से ऑलरेडी चला गया है, मतलब कि टावर मोमेंट से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो। हो सकता है 1 साल के अंदर या फिर 10 महीनों के अंदर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है जो बहुत ही ज़्यादा खराब था या फिर टॉलरेट करने जैसा नहीं था। ओके, तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में एंटर करती हुई दिख रही हैं। सिचुएशंस बेहतर होता हुआ दिख रहा है मुझे पहले से और भी ज़्यादा, एंड आपके मन में क्लैरिटी आती हुई दिख रही हैं। एक स्पष्टता आपकी लव लाइफ के साइड से आपको दिखाई देगा। बहुत टाइम से हो सकता है कि आप लव लाइफ के साइड से अपने फ्यूचर के तरफ जब देख रहे थे तो आपको हेजी नज़र आ रहा था, कुछ भी चीज़ें क्लियर तरीके से दिख नहीं रहा था। वो पर्सन, किसी पर्सन के साथ परमानेंट कनेक्शन या फिर शादी वगैरह, बच्चे, ऐसे टाइप्स की चीज़ें ना आपको बहुत सा धुंधला सा लग रहा था, या फिर किसके साथ आपका शादी होगा। प्यार तो करते हो किसी इंसान को, बट उनके साथ आपका शादी होगा कि नहीं, इस बात का कन्फ्यूशन भी आपके मन में था। सो यस, ये जो हेजी सिचुएशन है इससे आप मुक्त होने वाले हो। कुछ कन्फर्मेशन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, कुछ ट्रूथ्स आते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके लाइफ में एक पर्सन एंटर करने वाला है जो बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़र रख कर बैठे हुए हैं। मतलब कि वो जो इंसान है वो अपने करियर के साइड से तो स्टेबल है ही, एंड वो अपने करियर के साइड से अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्टेबल होने के बावजूद भी, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्यार और पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक साइड से स्टेबल हैं, बट उसके बावजूद भी पैसों को लेकर ही सोचते हैं। बिजनेस हो सकता है इनका, या फिर अगर जॉब करते हैं तो ऊँचे पोस्ट में जॉब करते हैं। मतलब कि इनकम बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, 50,000 के ऊपर ही है इनका इनकम मुझे दिख रही है। ओके, तो ये इंसान अगर स्टूडेंट भी हैं तो इनका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कि फैमिली के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच दिख रहे हैं, सपोर्टिव हैं, एंड ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडिया पर आपको बार बार जाकर देखते हैं। आप आज क्या पहन रहे हो, या फिर आज कहाँ पर जा रहे हो, आज क्या डीपी लगाया है, स्टेटस लगाया है, रील छोड़ा है, तो ऐसे टाइप्स की चीज़ों के ऊपर ना ये इंसान बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। फिजिकली हो सकता है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, आपके ऊपर नज़र तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपका दोस्त भी हो सकता है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि ये इंसान आपके आस पड़ोस में रह सकते हैं।
मतलब कि आपके दूर के रिश्तेदार भी कुछ लोग के लिए दिख रहे हैं, कि रिलेटिव्स के अंदर भी आते हैं, तो बहुत कम लोग के लिए ये पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं, बाकी लोग के लिए नियरेस्ट कोई इंसान दिख रहे हैं जो हो सकते हैं फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस में रहते हैं। ये इंसान आएंगे इस टाइम पर आपकी तरफ, इनकी तरफ से कुछ चीज़ें आपको रिसीव होने वाला है। देखो, हो सकता है आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें रिसीव ना हो इनकी तरफ से, धीरे धीरे से ये इंसान आपकी तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, बट इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें इनकी तरफ से रिसीव ज़रूर होने वाला है। एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स। इस टाइम पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूशन में पड़ने वाले हो लव लाइफ के साइड से। कुछ चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज ऐसे आपके सामने आने वाला है जिस चीज़ को देखकर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो जाओ, थोड़ा सा क्या करोगे समझ ना पाओ, ऐसा भी दिख रही है। बट आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर विचार के फैसला लेना है। आपके सामने इस टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चंस रह सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे रास्ते एक साथ ओपन हो सकते हैं, आपके सामने इस टाइम पर बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकते हैं, जिसको हो सकता है आपको दिमाग से हैंडल करना पड़े। फिजिकली आपको तकलीफ ना नहीं होगा, मतलब कि ऐसा नहीं दिख रही है मुझे, बट दिमाग से आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ सकता है इस टाइम पर कुछ चीज़ों को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। डिवाइन की तरफ से, ओ माय गॉड, डिवाइन की तरफ से मैसेज है यहाँ पर, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसिस। आपके लिए मैसेजेस हाईलाइटेड हो रही हैं। अपकमिंग न्यू मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड डिवाइन कह रहे हैं कि फेस योर फियर्स, सरेंडर टू द डिवाइन ऑल सिचुएशंस। मतलब कि आपके डर को आपको सामना करना है, एंड इसके साथ ही फल का चिंता छोड़ देना है, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है। आप बस अपना कर्म करते जाओ एंड अपने मन को ना गाइड करने दो, फाइन। इस टाइम पर आप सोच समझ कर विचार के फैसला लो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन भी आपको वही बता रहे हैं, मन से सोचो। एंड यहाँ पर है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपने जो भी मांगा है डिवाइन से, आपने जो भी प्रे किया है, या फिर हो सकता है कि आपने बहुत पहले मांगा था तो उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या फिर उस दुआ को आप भूल गए हो बट डिवाइन तक अभी जाकर पहुंचा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइम पर डिवाइन आपका कुछ टेस्ट लेने वाले हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होता हुआ आपको दिख सकता है जो बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल लगे, या फिर बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉसिबल लगे। तो इस टाइम पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं डिवाइन कि आपको आपके डर को फेस करना है। तो कुछ सिचुएशन डेफिनेटली ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आप डरने वाले हो एंड पीछे हटने वाले हो डर कर, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये डिवाइन का टेस्ट होने वाला है। कुछ लोग के लिए दिख रहे हैं कि वो टेस्ट ऑलरेडी डिवाइन ले चुके हैं, एंड कुछ लोग के लिए ये टेस्ट लेने वाले हैं 17 से 31 तारीख के बीच में। सो यस, यही आपका रीडिंग है। सो थैंक यू पाइसिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।